बड़ी उम्र से। तो क्या समस्या है आपको? आपके समस्या ये मेरी थी, मोहित रस्तोगी का मैं काम करता था 4-5 महीने से। मैं उनके नेचर को नहीं जानता हूँ कि उनका कैसा नेचर काम करता है। तो उन्हें चांदी का बनाने का काम करता हूँ, कारीगरी का। मैं उनके नेचर को जानता नहीं था, क्योंकि 4-5 महीने से मैंने काम किया, क्या नेचर है क्या नेचर नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे, मैं उनका काम करता था, पहले मुझे ऑर्डर दिया था नथ बनाने के लिए। नथे बना के मैं उनके दे आया था 150 ग्राम का ऑर्डर, उसमें मेरा 80 ग्राम पूरा निकल गया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने भैया मुझे ऑर्डर दो ना 80 ग्राम जो है। बोले दी मुझे डॉक्टर को, बोले ऐसा है तुम घर पे आ जाओ, ऑर्डर तो और भी लगना है 700-750 ग्राम का, वो भी लगा देना तुम, कुछ लगा देना। मैं फिर जब घर पे गया तो मुझे ऑर्डर वर्डर उन्होंने लिख के कुछ दिया नहीं, ना ही मुझे सोना दिया। उसके बाद बोले चलो ऐसा है तुम्हारे पास काम कोई लगा हुआ? मैंने हाँ लगा हुआ था। बोले ऐसा करना, कल मुझे ले लेना सोना मुझसे। मैं चलिए ठीक है, कल ले लूँगा करके। जब मैं घर जाकर दूसरे दिन फिर मतलब मैं आया, तो मैंने कहा मैंने ऐसा आप सोना दे दीजिए ऑर्डर जो आपने बताया था। बोले ऐसा कि ये सोना तुम ले गए, तो सोना वो लेगा। मैंने अच्छा सोना मैं ले गया हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा आप सोना देंगे तभी ऑर्डर लगेगा, इससे पहले लगेगी। मेरे पास सोना नहीं है जो मैं लगा दूँगा, कोई 150 ग्राम 10-20 ग्राम थोड़ी ना जो मैं चलो व्यवस्था करके कैसे कैसे लगा दूँगा। इतना सोना मैं कहाँ लाऊँ, आप मुझसे तोहमत लगा रहे हो फालतू की। तो उसके बाद मैं चलाया फिलहाल, उनके वो 3-4 भैया थे वो उनके, वो उन्होंने मुझसे इतना प्रेशर डाल दिया अकेला समझ के। बोले ऐसा है तो जा रही नहीं जा रही, मतलब जो है झूठ बोलता है फालतू, मतलब ये और अगला आदमी झूठ बोलेगा क्या, मतलब ये इसके पास किसी चीज़ कमी है क्या। तो उसके बाद में मतलब जो मैं घर आ गया, घर आने के बाद में उन्होंने मुझे फिर कॉल की, बोले ऐसा हाँ भी क्या हुआ मेरे ऑर्डर का। जबकि कभी बंदा 10 दिन से पहले मेरे घर कभी आया ही नहीं, मेरे घर 4-5 महीने से कभी भी मेरे घर नहीं आया। अब वो पहला चांस था जो झूठ बोलने की वजह से वो चौथे दिन मेरे घर आ गया। चौथे दिन मेरे घर आ गया, बोले हाँ भी क्या हुआ, क्योंकि पता थी मैंने दिया ही नहीं सोना, तो ये लगाया था जी। इसकी शिकायत आपने करी कहाँ? सीओ ऑफिस में। हाँ पहली बार यहाँ पर आई? हाँ पहली बार आई। तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने अंदर क्या कहा आपसे? अभी बात मैंने अभी बात नहीं हुई। मैं अभी आप अंदर किससे मिले? अभी बैठा रखा था, बात नहीं हो पाई। बात नहीं, अभी बात नहीं, मैं जाऊँगा। क्या चाहते हैं अब आप, मतलब चाहते क्या है? जो सोना उन्होंने मुझे दिया नहीं तो मैं बना के कहाँ दूँ? उन्होंने मुझे घर पे बुलाया। अरे चाहते क्या हो ये पूछा जा रहा है, अभी आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप इतना की तरह आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ जो 80 ग्राम सोना मेरा निकल गया वो तो मिल जाए, कम से कम वो मिल जाए। उन्होंने मतलब जो घर पे बुलाने के बाद में 3-4 लोग भैया हुए सब इकट्ठे करके उन्होंने बोले ऐसा है कि चल अगर ज्यादा वो है तो जो मैं काम ये सोना जो आपका निकल रहा है उसके बाद आप क्या चाहते? क्या चाहती? इसके बाद ये जा रहे हैं इनके लिए अंदर बैठा के 4-5 भैया ने इनके लिए धमकाया कि हम चोरी का नाम लगा देंगे और तुम्हें बंद करा देंगे, ऐसा ऐसा केस करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो हमारे मकान के काका, हमने मकान लोन पे लिया है, वो जो उसकी स्टेट वगैरह होती है वो ले गए। ठीक है, रुको 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 भैया रुको, बुलाओगे अजय भाई रुको।